नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी साहित्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साहित्यकार के बारे में जिसे उपन्यास की दुनिया का सम्राट कहा जाता है, जिसके शब्दों में झलक मिलती है गांव की और खुशबू मिलती है गांव की मिट्टी की, जिसकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं और आम जनजीवन को रेखांकित करती है। जी हाँ, आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए कर्मभूमि कागज थी तो रंगभूमि कैनवास। इन कागजों के कैनवास से युद्ध करते करते न जाने कितनी निर्मला उन्होंने रंग दी। इन रंग को भरने की कोशिश के दौरान उन्होंने कभी शब्दों का गबन नहीं किया। उनके लिए शब्द दान गोदान भी था और महाभोज भी। 1980 से लेकर 1936 तक यानी 56 सालों की अवधि के दौरान साहित्य की यह सेवा विषम परिस्थितियों में रहकर की। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर उन्हें संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय हैं, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग थी जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे मियाबिद है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद ने कुल करीब 300 कहानियां, लगभग एक दर्जन उपन्यास और कई लेख लिखे। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और कुछ अनुवाद कार्य भी किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है, कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।